हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर नोडमेंटर चैनल। आज हम देखेंगे HP स्मार्ट 585 प्रिंटर का अनबॉक्सिंग करेंगे। ये इंक टैंक प्रिंटर है एंड इट कॉस्ट्स अराउंड 15,000 रुपीज़। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका ये थोड़ा सा एफर्ट हमारे लिए बहुत काम आएगा। ये देखिए, आप पहले इसका सारे जो एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए उसने जो लगाया है वो सब निकाल दीजिए। ये एक बॉक्स आया था, आपने देखा होगा, पहले हम इसको निकाले थे। इसके अंदर इंक है, ये ब्लैक वाला इंक 135 ml का देता है। बाकी तीन कलर का जो इंक है वो 50 ml ईच रहता है। ये इसका पावर केबल है, वही बॉक्स के अंदर ही था। इसमें देखिए, ये इंक टैंक तो है, उसके साथ ये कैटरेज भी दिया है, जैसे पुराने इंकजेट प्रिंटर में आता था HP का। शायद HP इसको छोड़ नहीं पा रहा है कैटरेज को, मतलब ये अभी हाइब्रिड हो गया, इंक टैंक से आएगा इंक और यही सेम कैटरेज में, जैसे पुराना कैटरेज प्रिंट करता था ऐसा प्रिंट करेगा। लेकिन उसमें इंक बहुत कम खर्चा होता है, तो शायद इसलिए HP ने ये इसको रखा है फिर से अपना, मतलब ये एक बार आप इंक जो डाल रहे हैं इससे आपको 6000 पेजेस की HP क्लेम करता है कि इसमें 6000 पेजेस आप प्रिंट कर सकते हैं। तो नेचुरली ये इंक एफिशिएंट है। अभी इसका जो दूसरा पार्ट होगा प्रिंटर का, हम उसमें उसका सेटअप करेंगे, उसका ड्राइवर वगैरह लोड करके। ये पार्ट में सिर्फ हम फिजिकली कैसे इसको सेटअप करेंगे। ये उसमें इसका कैटरेज का पोजीशन थोड़ा सेफ रखने के लिए उसने ये वाला पैकिंग दिया है, इसको हटा देना है। ये देखिए, ब्लैक वाला कैटरेज को डालना है, दो है, एक ब्लैक है और एक कलर वाला कैटरेज है। ये कलर वाला है, इसको कलर की जगह में डाल दीजिए। अब नीचे देखिए, उसका एक ब्लैक कलर का है और एक थोड़ा वायलेट टाइप का कलर है, तो यहाँ पर डाल दीजिए। इसको थोड़ा आराम से डालिएगा इसको। अब ये देखिए, दोनों से ये लॉक हो गया। कैटरेज को जैसे आप डालेंगे वो एक टक सा आवाज़ आएगा उसमें से,
जब सही फिट हो जाएगा। अभी हम इसमें पेपर डालेंगे, फिर ये अपने आप अलाइनमेंट शुरू करेगा प्रिंटर। नेक्स्ट पार्ट में हम इसको देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।